अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स जी। तो आज मैं आपको इतने खस्ता पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत मज़े के बनेंगे जी। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने मिर्चें डाल दी साथ हैं, से ऐसे थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है आधा चम्मच, और फिर हमने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है और सूखा धनिया डाल देना है थोड़ा सा हाथ से पीस के, और फिर हमने इसमें पानी डालना है और एक गाढ़ा सा बैटर बना लेना है इस तरह से। और अभी हम इसको और अच्छी तरह से हम इसका बैटर बनाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से बैटर मिक्स हो जाए जी। तो बेसन का बैटर हम उतना बनाएंगे जितने हमने पकोड़े बनाने होंगे। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया। तो फिर अब सबसे पहले हमने यहाँ पे पालक लेनी है, आपने पालक ज़रूर डालनी है, पालक से बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। और फिर इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, आलू डाल देंगे, इस तरह से आलू हमने बारीक बारीक काटने हैं, प्याज भी हमने बारीक बारीक काटने हैं, और इनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपने काटने से पहले इनको धो लेना है, इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक बाउल ले लेना है, उसके अंदर ये थोड़ा सा हमने बैटर डाल लेना है और थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल लेनी है, उतना हमने बनाना है जितना हमने एक टाइम में हमने ना कढ़ाई में डाल के अपने पकोड़े फ्राई करने हैं, बस इतना मैं बना रही हूँ फिलहाल। और उसके बाद जब हम अगला फ्राई करेंगे तो उसके बाद भी मैं ऐसे ताज़ा बनाऊंगी जी। तो यहाँ पे चूल्हा हमारा हो गया गरम, इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पकोड़े। अगर आपको छोटे पसंद है आप छोटे डाल दें, मैं थोड़े से बड़े डालती हूँ, इस तरह से ज़रा अच्छे लगते हैं देखने। अब हमारे पकोड़े हो गए हैं तैयार और इसको मैं करती हूँ डिश आउट। आपने इस मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाने हैं, बहुत खस्ता और बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखें, ये देखने भी जितने अच्छे लग रहे हैं इससे ज़्यादा मज़े का इनका टेस्ट है जी। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए नेमल व्लॉग्स के साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।